स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। पश्चिम बंगाल में आए चुनाव नतीजे के बाद हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था और इस हिंसा को लेकर रिपोर्ट जो है वो पेश करने को कहा था। अब इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 7,000 महिलाओं के साथ पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, अत्याचार हुए हैं और कुल मिलाकर 16 जिलों में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद दर्ज किए गए हैं। इसको लेकर गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जो भी इस पूरे मामले को लेकर दोषी होगा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसको लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसकी जांच करेंगे और इस मामले में जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। चुनाव के बाद 25 लोगों की हत्या हुई है, 7,000 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, 16 जिलों में राजनीतिक हिंसा हुई है, डर कर दूसरे राज्यों की तरफ चले गए हैं। बंगाल विधानसभा में 2 जुलाई से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। इस मसले पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं। ममता सरकार ने बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को तैयार करके राजभवन भेज दिया है। दूसरी तरफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बजट सत्र की शुरुआत के लिए उन्हें भेजे गए अभिभाषण को हुबहू पढ़ने से इनकार कर दिया है। नियम के मुताबिक विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल का अभिभाषण होता है। इस अभिभाषण को राज्य सरकार तैयार करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।